पीछे बैंड बाजा आए दूल्हे राजा खान साहब, उनकी तरफ से 11 पुष्प मुद्राएं प्रदान है। पपो धनबाद, पपो साधुबाद। अल्ले, वो नौवा तो कह रहा था यहाँ पर बड़ी अच्छी अच्छी नौनियां हैं। और आप हैं आदरणीय श्री पिताजी, कह रहे थे क्या? अगर बेटा बउआ हो, लौंडा हो, छौना हो, गिदन्ना हो, अगर कोई रास्ते में लुची लफंगेन, उसमें बात करना, अगर कोई लड़की मिल जाए तो उसको अपना नाम न बताना है, इसलिए लेडीज जस्ट इन द फर्स्ट। अच्छा, मुझे ही बताना चल पड़ेगा। यस माय किलोमीटर। तो सुनो, महासाता हूँ वो मलोफ्लाइन। अरे तो पाँव हटाना, कई बगदा दे दिया क्या? अरे पाँव हटा दारा सिंह की अम्मा, ए मेरे पैर गोले से पैरों हटा। मैं नाम बता दूं? हाँ बता। मेरा नाम है अनारकली। कितना अच्छा नाम है। तुम्हारा नाम है अनारकली? तो मोन नाम है गांव का बजरंग बली। मेरा ये नाम नहीं, मैं तुमसे झूठ बोल रही थी। तो मैं कौन हरिचंद की औलाद हूँ जो सही बोल रहा हूँ? मेरा नाम है चमेली जान। तुम्हारा नाम है चमेली जान? जी। कितना बढ़िया नाम है, चमेली जान। तुम्हारा नाम है चमेली जान, तो मेरा नाम है धतूरे खान। अच्छा, मेरा ये नाम नहीं है। तो मोरो नाम नो है ले। मेरा नाम है रात में जलाई, दिन में बुझाई, मेरा नाम है दिया सलाई। अच्छा, बड़ा अच्छा नाम है। काका है फिर को भी बता। भूल गए क्या? हाँ भूल गए मैं। रात में जलाई, दिन में बुझाई, मेरा नाम है दिया सलाई। तो फिर मेरा भी बहुत अच्छा नाम है। क्या नाम है? रात में बिछाया। अच्छा, दिन में उठाया। मेरा नाम है टूटी चारपाई का पाया। अरे वाह, बहुत अच्छा नाम है। तो अपना नाम बता दो। मेरा नाम है, मेरा नाम है मुक्ता। अरे मुक्ता जी, क्या हो गया? अरे मुत्ता जी, ये इल्लू फड़ाई नहीं मुझे पसंद आ। क्यों? मुत्ता मुत्ता कर दिया, साथ जो जो उन तक कहा दिया वो मैं कर दूं फिर। अच्छा, आओ मुत्ता जी है ना आप? हाँ, मेरा नाम मुं मुं का के छोटा मुंह आ धक्का बड़ा था मुत्ता। और जब तू ना सुझे राण कर दियो मुक्ता, मुक्ता नहीं मुक्ता। अच्छा, मुक्ता नाम है आपका। एक काम करो। देखो, जो हमारे ये भाई बंधु आए हैं, तो राम जी के कलयुग को उनको बुलाया जाए, हैं? कलयुग को बुलावा दिया जाए। ए सुनो, देखिए श्री अवधेश महाराज भी आ चुके हैं। अवधेश महाराज आगे का और का। हाँ महाराज, इतने मदीत जाऊ अब ये बीचन देख लिया। सुनो, मैं अपने डिपार्ट को बुलाऊंगी। तुम नाव हो ना, मैं भी नाव हूँ। तुम अपने डिपार्ट को बुलाओ, मैं अपने डिपार्ट को बुलाती हूँ। तुम्हारा डिपार्ट आएगा नहीं? तुम्हारा डिपार्ट ना आएगा। क्यों अनुष्का, तुम्हारा डिपार्ट आएगा? बहुत प्यार से बोला दिया, असला के फांसी लगा के मर जाओ। बुला रही हूँ भैया, ये गलत बात। लक्ष्मी प्रसाद जी उनकी तरफ से ये 11 पुष्प मुद्राएं प्रभु राम जी के। मैं जिस तरह से बुलाऊं आओ, उसी तरह से तुम बुलाना। अच्छा, मेरे भाई बंधु ज्यादा आएंगे? मेरी माता बहने ज्यादा आएंगे। कहाँ है नसीम? सबसे पहले तो नंबर है। सुनो, जिस तरह से मैं बुलाऊं आओ, और अगर मेरी माता बहने ज्यादा आ गई तो क्या करोगे? अगर मेरे भाई बंधु ज्यादा आ गए तो? अगर मेरी माता बहने ज्यादा आई तो? अगर मेरे भाई बंधु ज्यादा आ गए तो?
तोरी बहनी से ब्याह कर ले हो। अच्छा हाँ, अगर मेरी माता पहले ज्यादा आई तो ये तोर बहनी मुँह से ब्याह कर ले। बुला रही हो? हाँ बोला। अम्मा ओ बापा ओ चाची ओ चाचा ओ ताई ओ दादा ओ मौसी ओ मौसिया ओ बुआ ओ फूफा ओ जिच्ची ओ। हाँ इनके जीजे कहते हो कहूँ मैं? कहते हो तो चले, हमारी माता की शादी हुई है, मैं कहे इनको जीजे कह दूंगा। चलो हमारी माता बहने, सर्वप्रथम कार्य हमारी माता बहनों का, जब किसी के घर में दूल्हा रूठ जाता है, हमारी माता बहने दूल्हे सरकार को मनाती है, उनको सुंदर सुंदर गालियां देती है। तो आज प्रभु श्री राम जी कलयुग के लिए उठे हुए हैं, रिसाए हैं, उन्हें आमे और मनावे, हमारे मुक्ता जी को भी मनावे और सभी भाई बंधु आवे और भगवान को कलयुग करवावे। सुनने के लिए सबसे पहले तिवारी जी को बुलाओ, वो तो खुद आएंगे। और जुरियाई जनकपुर की नारियां, और जुरियाई ललाजू की सालियां, बैठे बिटी दे बेगालियां। शांता मालूम है किनके साथ गई थी? किनके साथ गई थी? गई नहीं थी, विवाह हुआ था उनका, कोर्ट मैच किया था उन्होंने। क्यों बेटी, विवाह हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं, विवाह किया गया था। हाँ। और राजा दशरथ जी की दत्तक पुत्री है शांता, उनके मित्र की लड़की थी वो। हाँ, राजा रोमपाद जी की पुत्री थी। राजा दशरथ जी ने दत्तक पुत्री के रूप में स्वीकार किया और विवाह किया श्रृंगी ऋषि के साथ में। श्रृंगी ऋषि के साथ इनके कि हमारे पंडित जी सर्वप्रथम आइए, राम जी का कलयुग कराओ। अब मऊ मऊ लो फड़ाओ, मऊ का कलयुग कराओ, लो फड़ो तुम। हाँ, और जो म्यूना के कमेटी आई हुई है हमारे भाई, हाँ बीरबल भैया मास्टर साहब, वो भी आए और वो भी राम जी का कलयुग कराए और हमको भी कलयुग कराए मऊ का। और मैं चाहूंगी ज्यादा ना हो सके तो पांच एक या दो माताएं बहने आ जाए, भगवान को कलयुग कराने, क्योंकि अगर आप लोग नहीं गए, आप लोग भगवान को कलयुग कराने नहीं आए तो भगवान क्या कहेंगे अयोध्या में जाकर कि हमारा किसी ने मिथिला वाले किसी ने हमारा सम्मान नहीं किया। हमें आइए देखिए ये सुंदर प्रसंग आप लोग राम कलयुग का देख रहे, और अब यहां से सुंदर प्रसंग आगे का जो चरित्र है ये तो बालकांड की ही लीला का है। हाँ, चूंकि इन लोगों के लिए नई लीला है तो ऐसा इन लोगों को लग रहा है कि थोड़ा सा समय अधिक लग रहा है, यद्यपि ऐसा है नहीं,
अब चूंकि पहली बार आपके यहाँ ये लीला हो रही है तो आपको लगेगा। आइए अब रोने धोने वाली लीला आप लोग देखने जा रहे हैं यहाँ से, करुण रस की पावन लीला और अयोध्या कांड की लीला का पहला प्रसंग है। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नौ मंगल मोद बधाए। राजा दशरथ जी का दरबार अब आप लोग देखने जा रहे हैं और संक्षिप्त में, अच्छा कक्कड़ जी आप भी कल्यू कर लीजिए, थोड़ा सा सयाने लोग बैठे हैं, जानकारी नहीं है उतनी। हाँ वो लोग परेशान हैं, जल्दी करिए जी। ये भी एक लीला का भाग है और आपको बता दें कि राम कलेवा की एक दिन की लीला होती है। आप लोग तो आधे घंटे में देख रहे हैं, ये एक दिन की लीला होती है पूरी। जी ये म्यूना के कोशाध्यक्ष जी है और इनकी तरफ से 51 पुष्पराज है राम जी के कलयुग कराया गया, 51 रुपया हमको भी दिया गया सखियों को। टू टू अब आप भी कलयुग कर लीजिए, भयंकर सखी गरीब रही है। और आप हमारे श्री सतीश लंबरदार ग्राम भैंसाएं से 101 पुष्पमुद्राएं भगवान के कलयुग में, और आदरणीय श्री अवधेश महाराज ग्राम बंडुआ से ही आपकी ओर से भी 101 पुष्पमुद्राओं से भगवान के कलयुग में सादर समर्पित हो रही है। धन्यवाद। अब अवधेश महाराज मुंह नहीं दी ना इनका, एक को मैं प्योर अधिकारी हूँ यार, मुंह पहले दे चाहिए। सही है, तुम नाउ हो तो कलयू तो करो, पहले पहले प्रसन्न तो करो कि हाँ तुमने कलयू किया। ये भोजन ना कर रहे हो, ए ये बताओ कलयू कर रहे हो तुम, कभी भोजन नहीं मिला क्या अयोध्या में? बना ही रहे उसमें क्या है? ये कलयुग है, देख लो भैया जी, अयोध्या की नाक कटवा रहे हो, लोग हंसेंगे तुम पे। तो अरे सखियों को भी पूछ ले कि तुम भी खा ले। ठूस ठूस के करो भैया, गजब की हो आप। अरे बस करो, हेलो। और देखिए हमारी जो समिति के कोषाध्यक्ष हैं श्री ब्रजेंद्र सिंह जी राजपूत, आपकी ओर से 51 मुद्राएं हमारे कक्कड़ जी के लिए विशेष पुरस्कार के रूप में प्रदान है। अब आइए यहां से सुंदर अयोध्या कांड की लीला का दर्शन है, थोड़ा सा प्रसंग समझे सब लोग।